हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ेवियन ने पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी को 2 साल के लिए सील कर दिया था, जिसके बाद ज़ेवियन जानता था कि उससे ज़िनलैंड के साथ किए हुए वादे के मुताबिक यहाँ से पिल टावर की तरफ रवाना होना होगा। लेकिन ये करने से पहले वो क्वीन मेडुसा के लिए एक लेवल 7 की पिल क्रिएट करना शुरू कर देता है, जो काम वैसे काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। इससे पहले ज़ेवियन ने इतनी पावरफुल पिल कभी नहीं क्रिएट की थी। सोल मेल्टिंग पिल को बनाते वक्त हम देखते हैं कि यहाँ ज़ेवियन का पहली दफा हेवनली ट्रिबोल्यूशन एग्जाम भी शुरू हो चुका था, जहां आसमान से कई सारा थंडर्स आकर ज़ेवियन पर गिरना शुरू हो चुके थे। लेकिन ज़ेवियन सक्सेसफुली इस हेवनली ट्रिबोल्यूशन एग्जाम से गुजरते हुए सोल मेल्टिंग पिल को पूरी तरीके से रिफाइन कर चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत हमें कुछ हफ्तों बाद की दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि ज़ेवियन अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक एयरशिप का इस्तेमाल करते हुए सीधा सेंट्रल प्लेन की तरफ ही जा रहा था, जहां इस सफर में ज़ेवियन का साथ पॉइजन गर्ल, ज़िनलैंड और साथ ही साथ ज़िया भी दे रही थी। ज़िया यहां पर ज़ेवियन से कहती है कि अभी तक हम लोग टियानिया सिटी भी नहीं पहुंचे और मुझे इतनी ज़रा भूख लग चुकी है, मुझसे ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। दूसरी तरफ ज़ेवियन उसे कहता है कि जरा शांत हो जाओ, हम जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। ये कहते हुए ज़ेवियन यहां लिटिल फेरी डॉक्टर और के पास आ गया, जहाँ पर ज़िनलैंड ज़ेवियन से कहती है कि ज़ेवियन, ये मेरी फैमिली की तरफ से ज़ोंगज़ाओ कॉन्टिनेंट का मैप है। जिसे देखकर ज़ेवियन जवाब देते हुए कहता है कि ज़ोंगज़ाओ कॉन्टिनेंट तो काफी ज़रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और यहाँ पर हम लोगों को ज़ेवियन का न्यू लुक पहली दफा देखने को मिला। ज़ेवियन का ये न्यू लुक मुझे तो पसंद आया, लेकिन ये अचानक से आ गया, इसके बारे में आप लोगों के थोड़े से क्वेश्चन हो सकते हैं कि अचानक से ज़ेवियन की शक्ल चेंज कैसे हो गई। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से पिछली दफा जब ज़ेवियन की शक्ल चेंज हुई थी, तब वो फालन हार्ड फ्लेम को एब्जॉर्ब कर चुका था, और फालन हार्ड फ्लेम को एब्जॉर्ब करते वक्त वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ज़ेवियन की स्किन मेल्ट होकर एक न्यू रिफॉर्म में बदल चुकी थी। शायद इस दफा ये सब कुछ उस हेवनली ट्रिबोल्यूशन एग्जाम की वजह से हुआ, जहां ज़ेवियन पर बिजली गिरी थी और इसी बिजली के कारण ज़ेवियन का ये न्यू रूप बदल कर आ चुका है। दूसरी तरफ हम ज़ेवियन को देखते हैं, जो कि यहां पर ज़िनलैंड से कह रहा था कि वैसे ज़ोंगज़ाओ कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्सेस कौन कौन सी है। जिस पर ज़िनलैंड ज़ेवियन को जवाब देते हुए कहती है कि ज़ोंगज़ाओ कॉन्टिनेंट पर 2 फोर्सेस काफी ज्यादा बड़ी है, जिनमें से पहले के तो तुम हॉल ऑफ सोल के नाम से जानते होंगे, जिनका सोल पहले से एक सोल रेल में लोकेटेड है, लेकिन उसकी लोकेशन और बाकी सब चीजें मिस्ट्रीज है। इवन के ज़ोंगज़ाओ कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारे लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। ज़ेवियन यहाँ पर आखिर हॉल ऑफ सोल को कैसे नहीं जानता, उसकी जिंदगी आधी से ज्यादा तो हॉल ऑफ सोल ने ही खराब की है। साथ ही ज़िनलैंड बताती है कि ज़ोंगज़ाओ कॉन्टिनेंट की दूसरी बड़ी पावर है पिल टावर। ज़िनलैंड यहाँ पर समझ चुकी थी कि ज़ेवियन को हॉल ऑफ सोल के लिए गुस्सा रहा है, इसलिए वो ज़ेवियन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ब्रदर ज़ेवियन तुम्हारी दुश्मनी हॉल ऑफ सोल से है, लेकिन मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि जब तक तुम्हें इतनी सारा एबिलिटी ना आ जाए कि तुम उनका मुकाबला कर सको, तब तक तुम्हें कोई भी गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। जो सुनकर ज़ेवियन ने खुद को शांत करा लिया। साथ ही साथ वो यहाँ पर ज़िनलैंड से सवाल करते हुए कहता है कि अच्छा, 2 सेक्ट 3 वैलीज और 4 पिविलियंस का आखिर क्या मतलब है। जिसके बारे में ज़िनलैंड बताती है कि ज़ोंगज़ाओ कॉन्टिनेंट में टोटल 2 सेक्ट है, जिसमे से पहले का नाम है टियानमिंग सेक्ट और दूसरे का नाम है हुआ सेक्ट, जो दोनों ही सेक्ट यहाँ पर ज़ोंगज़ाओ कॉन्टिनेंट में काफी सारा इन्फ्लुएंस रखते हैं। इसके बाद उसने 3 वैलीज और 4 पिविलियंस के बारे में भी बताना शुरू कर दिया। जो सब सुनकर ज़ेवियन अपने मन में कहता है कि वहाँ पर तो काफी ज़रा पावरफुल फोर्सेस है, मुझे अपना हर एक कदम सोच समझ कर चलना होगा। ज़िनलैंड भी यहाँ पर ज़ेवियन से बिल्कुल यही सब कह रही थी। वो ज़ेवियन से कहती है कि वहाँ पर एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर्स है, इसलिए हम लोग बिना वजह किसी को गुस्सा नहीं कर सकते, वरना पता नहीं कब कौन हमारा क्या बिगाड़ दे। ज़ेवियन को वैसे ज़रा फिक्र नहीं हो रही थी, तभी दूसरी तरफ ज़िया यहाँ पर ज़ेवियन से कहती है कि क्या हम लोग पहुँच गए, मैं सफर से तंग आ चुकी हूँ। वो इसी तरह से बच्चों की तरह एक्ट करते हुए कह रही थी कि ऐसा लगता है कि इसी सफर के दौरान मेरी भूख से मौत हो जाएगी, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। ज़ेवियन उसकी बातें सुनकर यहाँ पर ज़िनलैंड से कहता है कि हमें रास्ते में कहीं पर रुकना होगा ताकि हम लोग खाने का सामान ले सके। ज़ेवियन भी ये कह ही रहा था, तभी अचानक वो अपने पास देखता है कि वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े एयरशिप खड़े हुए थे, यानी कि ये लोग आखिरकार यहाँ टियानिया सिटी पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हजारों की तादाद में एयरशिप पहले से ही मौजूद थे। वो सबके सब एयरशिप यहाँ लाइन में एक दूसरे के पीछे खड़े थे, लेकिन ज़ेवियन की एयरशिप धीरे धीरे से आगे की तरफ सिटी में इंटर हो रही थी, इसलिए हम देखते हैं कि एक वॉरियर फौरन से इन लोगों के सामने आकर इन्हें रास्ते में ही रोक चुका। वैसे आगे बढ़ने से पहले जरूर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ज़ेवियन तो आखिर ज़ोंगज़ाओ कॉन्टिनेंट जाना चाहता था, फिर आखिर वो यहाँ पर टियानिया सिटी में क्या कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़ोंगज़ाओ कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा दूर है, इतना दूर कि वहां तक इतनी आसानी के साथ नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए ज़ेवियन अपने दोस्तों के साथ मिलकर सबसे पहले टियानिया सिटी पर आ चुका है, जहाँ पर एक वर्म होल है। वर्म होल किसी भी टेलीपोर्टेशन
पोर्टल की तरह काम करता है, जहां एक साइड से इंटर होने पर आप दूसरी साइड से काफी जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन यहां टियानिया सिटी में इंटर होते साथ ही हम देखते हैं कि ज़ावियान और उसके दोस्तों का रास्ता यहां पर एक जनरल ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर रोक लिया था, जो कि इन लोगों से कह रहा था कि आखिर तुम लोग टियानिया सिटी में क्या कर रहे हो, क्या तुम लोगों को यहां के रूल्स नहीं मालूम। ज़ावियान ये बात सुनकर ऑफेंड नहीं होता, बल्कि वो धीरे से आगे आकर बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहता है कि हम लोग यहां पर पहली दफा आए हैं, इसलिए हमें यहां के कुछ भी रूल्स के बारे में नहीं मालूम, अगर हमने कुछ गलत किया हो तो प्लीज हमें माफ कर देना। लेकिन ज़ावियान की ये अच्छाई देखकर तो वहां पर मौजूद कुछ सोल्जर उस पर हंसते हुए ज़ावियान का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने ज़ावियान को कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया था। जबकि वो जनरल भी यहां पर ज़ावियान से कहता है कि क्या तुम देख नहीं पा रहे, सारे के सारे एयरशिप्स यहां लाइन में खड़े थे, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो, जो कि मुंह उठाकर सीधे स्टेडियम के अंदर इंटर होने के लिए आगे की तरफ बढ़ते आ रहे हो। तुम्हें रूल्स के हिसाब से मालूम होना चाहिए कि सिर्फ डोहोंग या फिर उसे बड़े लेवल के वॉरियर्स ही डायरेक्टली सिटी में इंटर हो सकते हैं, या फिर अगर तुम डायरेक्टली इंटर होना चाहो तो एक दूसरा रास्ता। वो अभी आगे की तरफ रिश्वत के लिए बोलने ही वाला था, तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियान गुस्सा होकर फौरन 3000 थंडर टेक्निक के साथ तेजी से मूव करते उस जनरल के सामने आकर खड़ा हो गया, जहां ज़ावियान अपनी एनर्जी अनलीश कर लेता है और साथ ही वो कहता है कि तुम आगे कुछ कह रहे थे शायद। जनरल तो ज़ावियान की इस एनर्जी को महसूस करते ही समझ गया था कि ये एक डोहोंग लेवल का वॉरियर है, इसलिए वो काफी जरा घबरा चुका। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल भी यहां पर तेजी से मूव करते हुए फौरन से ज़ावियान के पास आकर खड़ी हो गई, जहां पर उसने भी अपनी पावर्स अनलीश कर ली थी। इसकी इफेक्ट के कारण तो हम देखते हैं वो सारे के सारे वॉरियर्स ही पीछे की तरफ जा गए सीटे। जनरल तो डरते हुए कह रहा था कि ये तो एक डोहोंग लेवल की वॉरियर है, साथ ही वो इन लोगों से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लगता है कि हमारे बीच कोई गलत फहमी हो गई, असल में वर्म होल के दरवाजे में कुछ खराबी आ चुकी है, इसलिए आप लोग उसका इस्तेमाल अभी के लिए नहीं कर सकते। ज़ावियान उसकी बात सुनकर सवाल करते हुए कहता है कि आखिर इसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, जिस पर पहले तो वो जनरल यहाँ पर ज़ावियान से कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं जानता, लेकिन वो जैसे ही देखता है कि ज़ावियान गुस्से में है इसलिए वो अपनी बात को बदलते हुए कहता है कि शायद इसमें एक दो दिन लग जाए, तब तक आप लोग चाहो तो यहाँ टियानिया सिटी में रुक सकते हो। वैसे भी लुवो फैमिली के मास्टर लुवो ने ऑलरेडी उस पर काम करना शुरू कर दिया, जैसे ही वो फॉर्मेशन डोर कम्प्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों को इसकी खबर भिजवा दूंगा। ज़ावियान यहाँ पर उसकी बातें सुन ही रहा था, तभी पीछे से हम जिया को देखते हैं, जो कि ज़ावियान से कहती है कि आखिर तुम लोग कब तक इस तरह की बातें करते रहोगे, मैं भूख से मर रही हूँ। जिया को यहाँ पर इतना जरा भूखा देखकर ज़ावियान पॉइजन गर्ल से कहता है कि लगता है कि हमें सिटी में जाकर पहले अपने लिए कुछ सामान खरीद लेना चाहिए, जिस पर पॉइजन गर्ल भी एग्री हो गई। और हम देखते हैं कि ये सब लोग यहाँ टियानिया सिटी की तरफ पहुंच जाते हैं, जहाँ सिटी में पहुंचने के बाद जिनलेन यहाँ पर ज़ावियान से सवाल करते हुए पूछती है कि ज़ावियान अब हम लोग क्या करेंगे। ज़ावियान जवाब देते हुए कहता है कि फिलहाल तो हम लोग यहीं पर रुकेंगे, कल तक हमें इंतजार करना होगा कि वर्म होल ठीक होता है या नहीं, अभी हम लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी तरफ जिया को तो भूख लगी थी, इसलिए वो वहाँ पर एक खाने के स्टॉल की तरफ भाग जाती है। अभी दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि कुछ लोग हड़बड़ी में भागते हुए आ रहे थे, क्योंकि लुवो फैमिली की एक लड़की जिसे सब लोग लिटिल डेविल के नाम से पुकारते हैं, वो एक फ्लाइंग बीस्ट को पागलों की तरह उड़ाते हुए चारों तरफ तबाही मचाती जा रही थी, लोग उससे डरते हुए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। वो पागल लड़की यहाँ पर अपने बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ ज़ावियान की तरफ ही बढ़ती आ रही थी, जहाँ वो ज़ावियान से कहती है कि चलो बेवकूफ इंसान मेरे सामने से हट जाओ, लेकिन ज़ावियान अपने एटीट्यूड के होने की वजह से अपनी जगह से हिलता तक नहीं, इसलिए हम देखते हैं कि वो बीस्ट तो फौरन से ज़ावियान के सामने आकर उसके प्रेशर से ही रुक गया। ये देखकर लिटिल डेविल गुस्सा होते हुए यहाँ अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियान पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ ज़ावियान ने उसका चाबुक पकड़ते उल्टा उसी को नीचे गिरा दिया। वहाँ पर मौजूद आम जनता को ये देखकर काफी जरा खुशी हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि आखिर ये लड़का है कौन जिसने लिटिल डेविल को इस तरह से पनिशमेंट दे दी, बेशक ये उसने अच्छा काम तो किया लेकिन अब वो एक बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लिटिल डेविल भी यहाँ पर गुस्से के साथ खड़ी होते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जो सुनकर ज़ावियान जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे एल्डर्स ने तो तुम्हें तमीज सिखाई नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे ही तुम्हें तमीज सिखानी पड़ी। लेकिन ये सुनकर तो लिटिल डेविल गुस्सा होते हुए ज़ावियान से कहती है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम जानते भी हो कि तुमने किस पर हाथ उठाया। ये कहते हुए वो यहाँ पर ज़ावियान को एक गाली दे देती है। ज़ावियान को बोला लिटिल फेरी के सामने कोई गाली कैसे दे सकता है, इसलिए हम देखते हैं कि लिटिल फेरी गुस्से के साथ आगे की तरफ आते हुए यहाँ एक जोरदार चांटा लिटिल डेविल के मुंह पर रसीद कर चुकी। साथ ही वो उसे कहती है कि बेशक तुम्हें ज़ावियान अगर कुछ ना कहे लेकिन अगर दोबारा से तुमने गाली देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। लेकिन लिटिल डेविल तो यहाँ पर गुस्से से पागल होते उल्टा पॉइजन गर्ल को ही गाली देते हुए कहती है कि चुड़ैल कही की। उसके मुंह से अभी ये गाली निकलने ही वाली थी, तभी अचानक हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल ने उसे एक जोरदार चांटा दोबारा से रसीद कर दिया, जो कि उसे डाउन टू अर्थ पहुंचा देती है। लेकिन यहाँ पर लिटिल डेविल अब गुस्से से पागल हो रही थी। बाकी के सब लोग भी यहाँ पर बातें करते हुए कह रहे थे कि इस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया, किसी न किसी को तो इस लिटिल डेविल को तमीज सिखानी ही थी। ये लड़की लुवो फैमिली की होने की वजह से हमेशा अपने मन मानी करती रहती है। दूसरी तरफ
जावियन भी यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये लड़की है कौन। जहाँ जिलन ने जावियन को बताना शुरू कर दिया था कि ये लड़की लुवो फैमिली से बिलोंग करती है जो कि वॉर्म होल के ओनर्स है, और मुझे मालूम है कि लुवो फैमिली का जो एंसेस्टर एल्डर है वो एक डोजोंग लेवल के 5 स्टार का वॉरियर है। जावियन यहाँ पर उसकी बातें सुन रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम उस लिटिल लेवल को देखते हैं जो कि यहाँ पर भड़कते हुए कह रही थी कि चुड़ैल तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुम जानती नहीं कि मेरा ग्रैंडफादर तुम्हारी क्या हालत कर सकता है, वो तुम्हारे हाथ के टुकड़े टुकड़े कर देगा। यहाँ लिटिल डेविल अभी ये सब कह ही रही थी तभी अचानक पीछे से उसके ग्रैंडफादर की आवाज आती है, जिसने यहाँ पर फौरन से अपना प्रेशर इन सब लोगों पर बढ़ाना शुरू कर दिया। लोग तो ये देखकर परेशान हो गए थे, वो समझ गए थे कि जल्दी यहाँ पर एक जंग शुरू होने वाली है, जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर लुवो पहुँच गए थे जिनके सिपाहियों ने यहाँ चारों तरफ से जावियन और उसके दोस्तों को घेर लिया। वो यहाँ पर आते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो कि तुम लोग मेरी ही सिटी में आकर मेरी ही फैमिली मेंबर पर हाथ उठा रहे हो। ये देखकर लिटिल डेविल ने भी जरा एक्टिंग करना शुरू कर दी थी, वो रोते हुए कहती है कि ग्रैंडफादर इस लड़की ने अभी मुझे चांटा मारा, आपको इस लड़की को मेरी तरफ से पनिशमेंट देनी ही होगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि वाकई में मास्टर लुवो काफी जरा गुस्से में दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अब यहाँ पर इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ लुवो फैमिली के वॉरियर्स भी यहाँ फौरन से जावियन और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं, लेकिन पॉइजन गर्ल ये सब देखकर इन लोगों को इनकी औकात दिखाने वाली थी। सबसे पहले तो वो वहाँ पर मौजूद उन सब वॉरियर्स पर अपना प्रेशर बना देती है, जबकि साथ ही वो तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ मास्टर लुवो के सामने आकर खड़ी हो गई, जहाँ वो उनसे कहती है कि आखिर तुम किस तरह के एल्डर हो, क्या तुम अपनी फैमिली के बच्चों को तमीज भी नहीं सिखा सकते। यहाँ पर पॉइजन गर्ल को अपनी इतनी ज्यादा करीब देखकर मास्टर लुवो को एहसास हो जाता है कि ये लड़की एक डोजोंग लेवल की वॉरियर है। दूसरी तरफ हम नीचे जिया को देखते हैं जो कि कह रही थी कि ये एक छोटी सी मामूली सिटी है, लेकिन देखो तो सही इसका मास्टर इतनी ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, लगता है कि आज के दिन हमें इनका एटीट्यूड जरा जमीन पर लाना होगा। मास्टर लुवो तो यहाँ पर जिया के पावर लेवल को भी देखकर समझ गए थे कि ये एक डोहोंग लेवल की वॉरियर है, जबकि पॉइजन गर्ल भी उसके पावर लेवल की बिल्कुल बराबर थी, यानी कि अगर यहाँ पर वो फाइट करेगा तो बेशक ही उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये खतरनाक लोग यहाँ पर आ कैसे गए, लेकिन अब वो यहाँ पर इन लोगों का फायदा उठाने का सोच रहा है, क्योंकि अगर वो डोजोंग लेवल वॉरियर को अपने साथ मिला ले तो वो जल्द से जल्द वॉर्म होल के डोर को टीक कर सकता है। ये सारी बातें सोचते हुए अचानक से मास्टर लुवो तो 360 बदल गया, वो फौरन यहाँ पर इन लोगों के सामने माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लगता है कि यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जो सुनकर तो उनकी ग्रैंड डॉटर को काफी जरा गुस्सा रहा था, वो यहाँ पर भड़कते हुए कह रही थी कि ग्रैंडफादर आप आखिर ये क्या कर रहे हो, क्या आपको समझ नहीं आ रही कि इस लड़की ने मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मारे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ग्रैंडफादर यहाँ पर कुछ नहीं करेगा, इसलिए बाकी के सारे सोल्जर उसे जबरदस्ती पकड़कर वहां से दूर लेकर जाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जावियन यहाँ पर अपने दोस्तों को लेकर वहां से रवाना होने लगा था, जो देखकर मास्टर लुवो फौरन से नीचे की तरफ आते हुए कहता है कि यकीनन तुम लोग यहाँ पर इस रियानिया सिटी जरूर इस वॉर्म होल डोर को इस्तेमाल करने के लिए आए होंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार वॉर्म होल डोर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है जिसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर ये डोजोंग लेवल वॉरियर वाली लड़की मेरी मदद करती है तो हम जल्द से जल्द इस डोर को ठीक कर पाएंगे। यानी कि वो यहाँ पर पॉइजन गर्ल की मदद मांगना चाहता था, जो सुनकर जावियन पीछे की तरफ पलटते हुए कहता है कि और इसके बदले हमें क्या मिलेगा। जावियन को यहाँ पर बोलता हुआ देखकर मास्टर लुवो समझ गया था कि इन लोगों की टीम का लीडर यही लड़का है, इसलिए वो जावियन के साथ नेगोशिएशन करते हुए कहता है कि अगर ये लड़की हमारी मदद करे और जल्द से जल्द वॉर्म होल का डोर ठीक हो जाए तो तुम लोग अपनी मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंच पाओगे। लेकिन जावियन जानता था कि ये कोई अच्छी डील नहीं और मास्टर लुवो हमें बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वो अपने दोस्तों को लेकर आगे की तरफ दोबारा से रवाना हो चुका, जो देखकर मास्टर लुवो पीछे से आवाज देते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मालूम है ना कि यहाँ से 10,000 मील तक दूसरा कोई भी वॉर्म होल नहीं है, यानी कि तुम लोगों को इसी का इस्तेमाल करना होगा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो इससे बनने में काफी वक्त लग जाएगा। लेकिन जावियन तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो यूं ही धीरे धीरे आगे की तरफ चलता जा रहा था, इसलिए मास्टर लुवो अपना इरादा बदलते हुए कहते हैं कि ठीक है अगर तुम लोग मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें एक 7th लेवल की मैजिक कोर को देने के लिए तैयार हूँ। यह एक लेवल 7 की मैजिक कोर का सुनकर तो जावियन फौरन ही अपनी जगह पर रुक गया और वो पीछे की तरफ पलटते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक स्काई पॉइजन एग्जॉस्टिंग ड्रैगन बीस्ट का लेवल 7 का कोर है तो बताओ। असल में जावियन को स्काई पॉइजन ड्रैगन बीस्ट का मैजिक कोर यहाँ पर पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी को सप्रेस करने के लिए चाहिए था, इसलिए जावियन की ये बात सुनकर तो पॉइजन गर्ल धीरे धीरे में काफी जरा खुश हो गई थी, उसे जावियन पर प्यार आ रहा था। दूसरी तरफ हम मास्टर लुवो को देखते हैं जो कि जावियन से कह रहा था कि स्काई पॉइजन ड्रैगन बीस्ट का लेवल 7 मैजिक कोर तो काफी जरा रेयर है, इसलिए वो कहीं पर भी इस कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करेगा इस बात की कोई संभावना नहीं, लेकिन मेरी लुवो फैमिली के पास स्काई पॉइजन ड्रैगन बीस्ट का एक लेवल 6 का मैजिक कोर जरूर है, अगर तुम चाहो तो हम उसका ट्रेड कर सकते हैं। जावियन ये सुनकर आखिरकार मान ही गया, क्योंकि वो यहाँ पर पॉइजन गर्ल से कहता है कि लेवल 7 का नहीं तो लेवल 6 का भी हमारा काम चला लेगा, वैसे भी कहते हैं ना कुछ बेहतर है कुछ ना होने से। पॉइजन गर्ल भी
जावियन की ये बात सुनकर उसके साथ एग्री हो गई थी, जबकि सबसे ज्यादा खुशी तो यहाँ पर मास्टर लुओ को होती है क्योंकि उसका काम अब यहाँ पर ऑलमोस्ट ही हो गया। इसलिए वो इन सब लोगों को अपनी मदद करने के लिए यहाँ वार्म होल की डोर की तरफ रवाना कर देता है ताकि वो आज के आज ही वार्म होल की इस दरवाजे को ठीक कर दे। मास्टर लुओ ने यहाँ पर इनके अलावा किसी और को भी मदद के लिए बुलवाया हुआ था जो की हान फैमिली के दो एल्डर्स थे। ये एल्डर्स भी डोजोंग लेवल के वॉरियर है और जैसे ही इन लोगों को मालूम होता है कि आज के दिन पॉइजन गर्ल भी इन लोगों की मदद करेगी तो वो लोग यहाँ पर पॉइजन गर्ल का मजाक उड़ा रहे थे कि ये बच्ची आखिर हमारी मदद कैसे कर सकती है। लेकिन जिया को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो कहती है कि तुम दोनों अभी सिर्फ डोजोंग लेवल की इनिशियल स्टेज पर हो, फिर भी तुम लोग भी इतने ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हें इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ जिया की ये बातें सुनकर उन दोनों एल्डर्स को गुस्सा आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जावियन जानता है कि यहाँ पर सिर्फ उन लोगों का वक्त ही बर्बाद हो रहा है। इसलिए जावियन ने पॉइजन गर्ल से कहा कि जल्द से जल्द मास्टर लुओ की मदद करो कि वो इस वार्म होल के दरवाजे को पूरी तरीके से ओपन कर दे ताकि हम लोगों को बिला वजह यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ना पड़े। पॉइजन गर्ल ये सुनते साथी फौरन से अपनी जगह पर पहुंच गई, जो देखकर बाकी के दोनों एल्डर्स और मास्टर लुओ भी बारी बारी करके अपनी पोजीशन को आकर संभाल चुके थे। यहाँ इन सब लोगों के सामने एक क्रिस्टल पड़ा हुआ था जिन्हें एक्टिवेट करते हुए मास्टर लुओ इन लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को अपने क्रिस्टल में एनर्जी देती रहनी है, जो एनर्जी आगे से रिफाइन होते हुए स्पेस पावर में बदलते हुए सीधा मैजिकल सर्कल की तरफ जाती रहेगी और यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगी। इसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग वार्म होल को एक बार फिर से स्टेबली ओपन कर पाएंगे। लेकिन याद रखना, एक बार ये प्रोसेस शुरू हो जाए तो कोई भी बीच में रुक नहीं सकता, तुम लोगों को अपनी पूरी जान लगानी होगी वरना इसका बैकलैश हम लोगों को बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है। जो सुनकर हान फैमिली के वो दोनों एल्डर्स तो यहाँ पर हंसते हुए कहते हैं कि तुम ये बातें हमें ना बल्कि इस बच्ची को बताओ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये नाजुक सी बच्ची इतनी ज्यादा एनर्जी को झेल पाएगी। असल वो उनकी ये बातें सुनते हुए कहता है कि चलो ठीक है, फिर बातें बंद करते हुए अपना काम शुरू करते हैं। ये कहते साथी उन चारों ने अपने अपने क्रिस्टल्स में एनर्जी देना शुरू कर दी, जो क्रिस्टल इन सब लोगों की एनर्जी को रिफाइन करते हुए बीच के क्रिस्टल तक लेकर जा रहा था और इसी वजह से नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। इस फॉर्मेशन को बंदा हुआ देखकर मास्टर लुओ तो खुश हो गए थे, साथ ही वो इन लोगों से कहते हैं कि चलो हमें थोड़ा और जोर लगाना होगा। ये कहते हुए उन लोगों ने और भी ज्यादा एनर्जी इस फॉर्मेशन को देना शुरू कर दी थी, जो कि इस फॉर्मेशन से गुजरते हुए सीधा ब्लैक होल की तरफ ही जा रही थी। जामियान और उसके दोस्त दूर से ये सब होता हुआ देख रहे थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर हर एक एल्डर को ही इस एनर्जी के प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा तकलीफ झेलने को मिलती है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि पॉइजन गर्ल के लिए ये काम करना काफी ज्यादा आसान है, वो सिर्फ अपने एक हाथ की एनर्जी से ये सब स्टेबली कर पा रही थी। मास्टर लुओ यहाँ पर इन लोगों से कहते हैं कि जल्दी वार्म होल पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा, हम लोग अब बीच में नहीं रुक सकते। लेकिन हान फैमिली के वो दोनों एल्डर्स तो काफी ज्यादा थक चुके थे, इसलिए उनमें से एक कहता है कि बस अब मुझे और ज्यादा नहीं हो रहा। वो अपने पास मौजूद दूसरे एल्डर से कहता है कि हम लोगों को इतने सारा पैसे नहीं मिले कि हम लोग ये काम करते रहे, इसके दौरान हम लोगों के मैंडेरियंस ब्रेक हो सकते हैं, ये काम हमने जितना सोचा था ये उससे कई ज्यादा खतरनाक निकला। मास्टर लुओ उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि अब तुम लोग बीच में ये नहीं छोड़ सकते, लेकिन उनमें से एक एल्डर ने अपनी एनर्जी यहाँ पर कम कर दी थी, इसी वजह से हम देखते हैं कि उनका क्रिस्टल यहाँ पर ब्रेक हो गया और इस इफेक्ट के कारण वो लोग भी उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरे। दूसरी तरफ मास्टर लुओ का क्रिस्टल भी यहाँ पर धीरे धीरे करके ब्रेक हो रहा है, जिसे होल्ड करने के लिए मास्टर लुओ ने अपनी सारी एनर्जी लगा दी, लेकिन वो इसे स्टेबल नहीं कर पाते। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल का भी क्रिस्टल ब्रेक हो गया था, जिससे वो डॉच करके पीछे की तरफ फौरन से हट गई। यहाँ इन चारों क्रिस्टल्स के टूटने की वजह से हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन गायब हो गई, जो कि यहाँ पर मौजूद इस वार्म होल को स्टेबल करने वाली थी। इसलिए वो वार्म होल फौरन से यहाँ एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया, जो कि अपने सामने मौजूद हर एक चीज को निकलने वाला है। जामियन और उसके दोस्तों ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान फैमिली के वो दोनों एल्डर्स भी तेजी के साथ यहाँ ब्लैक होल की तरफ ही खींचते जा रहे हैं। मास्टर लुओ को तो उन दोनों पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनलन खुद को काबू नहीं कर पाती और वो तेजी के साथ सीधा ब्लैक होल की तरफ ही खींची जा रही थी। ये देखकर जामियन ने फौरन से जिनलन का हाथ पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पर ब्लैक होल का प्रेशर काफी ज्यादा था। इवन की जिया भी यहाँ पर जामियन की मदद करने की कोशिश करती है, पर इस ब्लैक होल का पुलिंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो तीनों खुद को संभाल नहीं पाते और वो सीधा ब्लैक होल के अंदर की तरफ ही जा रहे थे। पॉइजन गर्ल ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही थी और वो जानती थी कि उसे अब लास्ट मोमेंट पर कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना वो अपने दोस्तों को नहीं बचा पाएगी। ये सारी सिचुएशन देखते हुए पॉइजन गर्ल फौरन से जंप करते हुए यहाँ सेंट्रल क्रिस्टल की तरफ आ गई, जहाँ पर वो अपने हाथ को उसके अंदर डालते हुए एनर्जी देना शुरू कर देती है। पॉइजन गर्ल की इस एनर्जी की वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पर मौजूद वो फॉर्मेशन दोबारा से एक्टिवेट हो रही थी, लेकिन ये एनर्जी अभी भी काफी नहीं क्योंकि वो ब्लैक होल बंद नहीं हो रहा था और जामियन यहाँ एक वक्त पर दो लड़कियों को संभालने का काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल से कर रहा है। अगर जामियन ने यहाँ पर हार मान ली और वो ब्लैक होल के खिलाफ अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश ना करे तो वो तीनों अंदर घसीटे जाएंगे। पॉइजन गर्ल इस रिस्क को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए हम देखते हैं कि उसे अपनी जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी ही उस क्रिस्टल को देना शुरू
कर दी और इतनी ज्यादा एनर्जी एक साथ मिलने की वजह से हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन काफी अच्छे से काम करना शुरू हो गया। यहाँ पर पॉइजन गर्ल की एनर्जी की वजह से धीरे धीरे वो सारी एनर्जी ही वहाँ पर वॉर्म होल की तरफ बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर की मुश्किलों से गुजरने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल ने अकेले ही ब्लैक होल को पूरी तरीके से स्टेबल करके वॉर्म होल में बदल दिया, जो करते हुए पॉइजन गर्ल ने अपने दोस्तों की भी जान बचा ली थी। ये देखकर पॉइजन गर्ल को काफी जरा खुशी होती है क्योंकि वो अपने दोस्तों को यू मुश्किल में देखकर काफी जरा परेशान हो चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मास्टर लुवो इन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा था। वो इनसे कहता है कि अगर आज के दिन ये लड़की यहाँ पर ना होती तो पता नहीं यहाँ पर कितनी ज्यादा तबाही होनी थी। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम होगा। ये कहते हुए मास्टर लुवो ने अपने पास से एक लेवल 6 के मैजिकल कोर को भी निकाल कर यहाँ ज़ावियन के हवाले कर दिया, जिसे देखकर तो ज़ावियन भी काफी जरा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लुवो ने यहाँ पर फौरन एक एयरशिप भी निकाल ली जो कि काफी जरा बड़ी और खूबसूरत थी। इस एयरशिप के बारे में मास्टर लुवो यहाँ पर ज़ावियन और उसके दोस्तों से कहते हैं कि ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा तोहफा है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप लोग इस वॉर्म होल से आगे का सफर काफी आसानी के साथ कर पाओगे। जो सुनकर ज़ावियन यहाँ मास्टर लुवो का शुक्रिया अदा करते हुए अपने दोस्तों के साथ जंप करते हुए फौरन से उस एयरशिप पर आकर सवार हो गया। जहाँ आने के बाद ज़ावियन अपने दोस्तों से खुशी के साथ कहता है कि चलो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ज़ोंगज़ाओ कॉन्टिनेंट। ये कहते उन लोगों ने दोबारा से अपने आगे का सफर शुरू कर दिया और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।